जालंधर में आज एक नई डीसी विशेष सारंगल ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के मौके पर पुलिस विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। आपको बता दें, इससे पहले भी विशेष सारंगल जालंधर में अलग अलग पदों पर सेवा निभा चुके हैं। विशेष सारंगल ने कहा कि जालंधर खेल उद्योग के लिए भी जाना जाता है और वह खेल उद्योग के लिए नई नीतियों के साथ उसको ऊपर लेकर जाएंगे और एक बार फिर जालंधर का नाम खेल जगत में अव्वल होगा। डीसी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निवारण का हल जल्द से जल्द कर समस्याओं का खात्मा करेंगे। इस दौरान डीसी ने शहर और गांवों में गलत काम में संलिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए गलत काम छोड़ने की अपील की और गलत काम नहीं छोड़ने की स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत भी दी। आज वाहेगुरु दी मेहर दे सदका परिवार वालों के माता पिता के आशीर्वाद के नाल पंजाब सरकार ने जिहड़ी मैनू डिप्टी कमिश्नर जलंधर की जिम्मेवारी सौंपी है उसके बाबत मैं आज इत्थे ज्वाइन किया है। जलंधर जिला मेरा अपना शहर होने के कारण एंड मैं इत्थे लंबे अरसे ते काफ़ी अलग अलग पोस्टा से सर्व किया है। मैं इत्थे बतौर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जलंधर डिवेलपमेंट अथॉरिटी सीईओ स्मार्ट सिटी एडिशनल कमिश्नर कारपोरेशन थोड़ी देर बाद से कमिश्नर कारपोरेशन भी रहा एडीसी डिवेलपमेंट भी रहा। इनफैक्ट जे देखा जाए तो कोविड दी तीनों वेव्स के दौरान मैं जलंधर जिले से कोविड का इंचार्ज सीगा। सो जलंधर जिले से मेरी सारी स्कूलिंग हुई है, मैं चंगी तरह जानता है। शहर दी समस्या रूरल एरिया दी जिहड़ियां समस्या हैगियां वो बार बार साढ़े को आदि रहिंदियां हैं अलग अलग मौक़ों पर साढ़े सारिया के सदका। सो मेरी आ प्रतिबद्धता हैगी है, मेरी आडे सारे नाल वादा हैगा कि मैं जलंधर नूं बहुत ही अगे एक उच्चे मुकाम ते लेके जावांगा। पंजाब सरकार ने जिहड़ी जिम्मेवारी मैनूं सौंपी है उस जिम्मेवारी नूं मैं